जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। एक बार संत कबीर के पास एक युवक गया और उसने कहा, बाबा जब संतों को देखता हूं उनके मन की शांति, उनका वैभव, उनके चरणों में दुनिया लौटती है तो मन करता है कि साधु बन जाओ। कितना अच्छा है अगर साधु बन जाते, लेकिन जब उनकी तपस्या देखता हूं, उनकी सहनशीलता देखता हूं, उनका धैर्य देखता हूं, उनका उनकी कठिन जीवनचर्या देखता हूं तो मन घबरा जाता है कि मुझसे ये नहीं होगा। और गृहस्थियों के यहां नाच गान खुशी देखता हूं, छप्पन भोग देखता हूं, मिलना जुलना आपस के संबंध रिलेशन, तो लगता गृहस्थी सबसे अच्छा है। और गृहस्थियों के यहां का लड़ाई जब देखता हूं, पति पत्नी के झगड़े, आपस में मारा मारी, टेंशन, केस मुकदमा, तो लगता है गृहस्थी कभी ना बनो। तो बाबा आप बताइए मैं क्या बनूं, साधु बनूं या गृहस्थी बनूं? तो संत कबीर उस युवक को अपने घर ले गए, दिन की दोपहरी में गए और अपनी धर्म पत्नी को आवाज दिया, कहा देवी अंधेरा बहुत है, जरा लालटेन जलाकर ला देना। पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, लालटेन जलाकर ले आई। थोड़ी देर बैठे रहे फिर वहां से चले। एक पहाड़ी पे एक संत रहते थे, उनके पास जाकर चरण वंदन किया और पूछा, बाबा आपकी उम्र कितनी है? तो बाबा ने बोला 80 साल। थोड़ी देर बैठे रहे फिर पूछा, आपकी उम्र कितनी है? बोला 80 साल। थोड़ी देर के बाद बोले, मेरी स्मृति बड़ी कमजोर है, याद रहता नहीं, आपने उम्र क्या बताया था? तो बोले 80 साल। जब बाहर निकले तो युवक ने कहा, बड़े पागल जैसे आप दिखते हैं। बोले कैसे, इतने सरल संत को आप तंग कर दिया आपने इतने देर तक, एक बार में उम्र तो आपको याद हो ही गई थी। और अपनी पत्नी से दिन की दोपहरी में धूप में लालटेन मंगाते हो, पत्नी भी कैसी पागल है जो लालटेन लाके दे देती है। तो संत कबीर मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा आपने एक प्रश्न किया था कि मैं गृहस्थी बनूं या साधु बनूं, तो कहा अगर गृहस्थी बनना है तो मेरी गृहस्थी की तरह कि पत्नी से बोलो कि दिन में अंधेरा है तो पत्नी इतना भरोसा करे, अगर रोज झूठ बोलते हो तो कैसे भरोसा करेगी, वो जानती है कि इन्होंने बोला है तो अंधेरा होगा। पत्नी भरोसा करे और आप पत्नी पे उतना भरोसा कर सके तब तो गृहस्थी बनना, और अगर न भरोसा हो तो गृहस्थी मत बनना, जिंदगी नरक बन जाएगी। और साधु को क्यों उम्र बार बार पूछा ये बताया। बोले यदि संत बनना है तो इतना धैर्य चाहिए कि कितनी भी परिस्थितियां बिगड़े आप न बिगड़े, आपके तेवर न बिगड़े, आपके हाव भाव न बिगड़े, क्योंकि आप साधु हैं और आपको इसी की साधना करनी है। लोग सोचते हैं कि साधना भगवान की जाती है, भगवान की साधना कभी नहीं की जाती, भगवान की उपासना की जाती है, भगवान की भक्ति की जाती है, साधना तो स्वयं की जाती है। साधना शब्द का मतलब है कंट्रोल करना, साध लेना, मन को साधा जाता है भगवान को नहीं, भगवान थोड़े ही बिगड़ गए जो उनको साधना है। लोग देवी जागरण करते हैं तो क्या देवी मैया सो गई जो जगा रहे, सोती है, वो सो जाए तो सृष्टि ही उलट जाए, अरे हम सो गए हैं उसको जगाने के लिए ये जागरण है। मंदिर में शंख किस लिए बजता कभी ख्याल किया आपने? भगवान जी सो गए घंटी बजा के उठाना पड़ रहा है, भगवान सोएगा तो सृष्टि चलेगा कैसे? आप सो जाते हैं तब भी दिल की धड़कन चलती है, खाना पचता है, शरीर की क्रियाएं चलती रहती है, कौन कर रहा है? और भगवान ही यदि सो जाए तो हम सोचते हैं भगवान जी सो गए घंटी बजाओ शंख बजाओ उठेंगे, ये उनके लिए नहीं है हमारे लिए है कि हम सो गए हैं जोर जोर से शंख बजाओ कि अंदर अचेतन तक जाए और हम जाग जाए।
तो गृहस्थी में जाए या साधु बने, शिव जी के इस रूप को याद रखना, साधना पड़ता है संत बनने के लिए। गेरुआ वस्त्र है, जटाजूट है, क्या है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना नहीं आपका व्यवहार क्या है। आप साधु व्यवहार से होते।